क्वेश्चन नंबर 9, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, तो बी एंड सी पर। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, बोथ सर्किल इंटरसेक्ट एट बी एंड सी। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। एक लाइन सेगमेंट यहां से लिया जिसका नाम है ए बी और डी। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू, पी बी और क्यू, यहां नाम पी है, ये बी है और ये क्यू है। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी, ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रोन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए डी पी क्यू। ए डी पी और क्यू ने सर्किल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, रिस्पेक्टिवली सीन द फिगर 10.40। आपका ये फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में पेज नंबर 186 पर। प्रूव दैट, टू प्रूव आपको प्रूव करना है फर्स्ट एंगल एसीपी, एसीपी इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, क्यूसीडी। अब इस एंगल को बनाने के लिए फर्स्ट है ए सी और पी, दिस एंगल, यानी आपको ये एंगल प्रूव करना है इसका, तो क्यू सी डी, क्यू सी और डी को, यानी दिस एंगल, यानी इसको अगर हम एंगल वन इज कल टू, यहां नाम दे दो टू, आपको प्रूव करना है एंगल वन इज कल टू एंगल टू। क्या ये डायग्राम समझ में आया जो बनाए? अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आप तुरंत समझ जाओगे क्वेश्चन भी जो है, तो क्वेश्चन समझ में आता। आप एक ट्रेंड ले लो, बी सी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ सर्किल, बी सी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द बोथ सर्किल। इस बी सी सेगमेंट से, बी सी कॉर्ड से हम एंगल एक्स भी बना रहे हैं और एंगल वाई भी बना रहे हैं। बोलो दिस एंगल इक्वल टू, दिस एंगल होगा एक्स इक्वल टू वाई, एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। आप एक सर्किल अगर बनाते हो और इसका एक कॉर्ड ड्रो करते हो, ऐसे एक सर्किल बनाए और ए सर्किल का एक कॉर्ड लिए हम, मान लो ये कॉर्ड, इसका नाम देंगे बी और सी। इस बी सी से आप एक एंगल यहां बना दो या एक एंगल यहां बना दो, अगर ये जितना एंगल होगा उतना ही, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन? ये अगर ये x है तो चलो इसका भी नाम हम x ही दे देते हैं, अगर y को करते तो वो एंगल इक्वल होगा x इज इक्वल टू x, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट, लिखेंगे एंगल p इज इक्वल टू एंगल a जो कि x डिग्री है
रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, अब देखिए सेम कॉर्ड से आप दूसरे सर्किल में आ गए, यहां डी है और यहां क्यू है, अगर इसको वाई मानते हो ई बी एंगल क्या होगा वाई डिग्री। इस सर्किल का ये एक सेगमेंट कॉर्ड है नॉर्मल कॉर्ड, इससे आप एंगल डी पर ही बना रहे हो, इसी से एंगल क्यू पर ही बना रहे हो। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू जिसको माने हैं वाई डिग्री, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप देखो, आप आज रखेंगे ए डी और सी में एंगल ए इन ट्रेंगल ए डी सी, इस ट्रेंगल में देखो दो एंगल है एक्स और वाई और एक एंगल आपका हो गया इसका, तो ये आएगा वन बाय ये नाम है टू, अरे एक का इतना वन दिया है नाम और इसका नाम दे दो, यहाँ पर कुछ कॉमन नाम दे दो तुम, जैसे वन टू इतना का नाम दे दो थ्री, क्या यहाँ पर इन ट्रेंगल ए डी सी ट्रेंगल देख रहे हो ना, बड़ा ट्रेंगल ए डी सी को इन ट्रेंगल ए डी सी में एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ए एक यहां पर एक्स लिखो एक प्लस पर एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल सी के प्लस पर सी आपका ये दो लाइन है जो कि थ्री और वन है, थ्री प्लस वन 180 डिग्री, जो कि क्या आया 180 डिग्री। इन ट्रेंगल अदर ट्रेंगल ले लो सेकेंड, जैसे फर्स्ट लिए ए डी सी सेकेंड ट्रेंगल पी क्यू सी में पी इक्वल टू एक्स Q is equal to y, x plus y plus और थर्ड एंगल आपका बचा ये, इस एंगल में थर्ड एंगल क्या बचा जो कि 3 plus 2 है, एंगल 3 plus एंगल 2 180 का इक्वल है, क्या इस दोनों एंगल में ये 180 का इक्वल है, ये भी दो तो एंगल इक्वल है तो बस ये थर्ड एंगल और ये एंगल 3 प्लस एंगल 1 इस तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 2, अगर आप इन दोनों को इक्वल करते हो अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा, एलएचएस में एक्स वाई कैंसिल होगा, बस क्या 3 प्लस 1 इस तरह तो 3 प्लस 2 3 से कैंसिल एंगल 1 इस तरह तो एंगल 2 और 1 इस तरह तो मींस एंगल एसीपी इसका करेंगे क्यूसीडी क्यूसीडी या ग्रुप नंबर। हेलो कहां प्रॉब्लम आया इसमें आज इस क्वेश्चन में, आप एक बार और देख लो, हम पहला ट्रेंगल इसको ले रहे हैं ए डी सी को, तो ए में एक्स है बी में वाई है और सी जो बचा है ये ट्रेंगल बना जिसमें सी में 1 प्लस 3 क्या बचा है एंगल 1 प्लस 3 को लिखो सी को बने दो, और जब दूसरा ट्रेंगल लेते हो पी क्यू और सी में तो B
पी भी एक्स यू भी वाई, सेम है, दो इन दो को हटा दिए, बच गया सी। तो सी इसका क्या है? इस टेबल का सी आपका है 3 + 2 है, 3 + 2 है, दोनों को इक्वल कर दिए, क्योंकि दो एंगल तो कैंसिल हो जाएगा x + y, क्योंकि दोनों का सम ट्रेंगल में, तीनों एंगल का सम 180, फर्स्ट ट्रेंगल में भी और सेकेंड ट्रेंगल में भी, इसमें 3 = 2 प्रूव करना था, ये दो एंगल। तो इसमें भी 1 + 3 और यहाँ भी 2 + 3 जो कॉमन था वो कैंसिल हो गया, और एंगल इन द सेम सेगमेंट का आर मीट किया। बोलिए समझ में आ गया? अर्ज अभी भी नहीं आया? एंगल इन द सेम सेगमेंट का आप यूज करो, बोलो। अब कहां प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए।